हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 17 सर्कल कॉर्ड एंड आर्क। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। एंड फाइनली दोस्तों, आज वो घड़ी आ चुकी है कि हम आपको बता दें कि ये जो लेक्चर है आपके 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स सब्जेक्ट का आखिरी मैथ्स का लेक्चर होने वाला है, यानी कि आज फाइनली ये लेक्चर भी खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और उसी के साथ आपका पूरा का पूरा 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का जो सिलेबस है वो भी 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आज आपको वही बताना था कि आज हमारा आखिरी लेक्चर है एंड आपको चिंता नहीं करना है, लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे बट बीच बीच में हम आपके लिए 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स जो सब्जेक्ट रहेगा उसका, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक बार पहले मैं हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर दूं, जो कि 15 से 20 दिन जो आने वाला है उसमें हो जाएगा, और उसके बाद आपको बहुत सारे अलग अलग लेक्चर्स मिलेंगे, जैसे कि कुछ रिवीजन लेक्चर्स, कुछ रैंडम टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर मैथ्स का ही, जैसे अलग अलग चीजें हैं ऐसे मिलेंगे आपको, कुछ एडिशनल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन का स्ट्रॉन्ग मेथड, ये सभी चीज आपको हेल्प करेगी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, आपको करियर वाइज बिल्ड करने भी एंड बहुत सारी चीजों में हेल्प मिलेगी। तो आज उसी के साथ मैं आपसे थोड़ा सा 2 मिनट और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमने इतना मेहनत किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉकडाउन वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी एंड हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, लगभग 17 चैप्टर कंप्लीट करना दोस्तों बहुत, मुझे ऐसा मेरे नज़र में तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। तो बस आप लोग से इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमने मेहनत किया है उसको वेस्ट मत होने दीजिएगा, जो भी हमने एक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया है आपको, हर एक चीज़ कंसेप्ट जो नॉलेज दिया है वो आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, उसको आगे शेयर कीजिए, सो दैट मैं चाहता हूँ कि जो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, हर एक बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस को, जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते जाके, ठीक है, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। तो इसमें आप लोग का बहुत बड़ा हेल्प की जरूरत है हमें कि आप ऐसे लोगों को शेयर कीजिए, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनको एक बार शेयर कीजिए, उनको भी बोलो कि आप आगे शेयर करो और एक चेन बिल्डअप करो, जैसे एक डायलॉग था कि आप 3 लोगों की मदद करो, आगे भी लोगों को 3 लोगों की मदद करने बोलो, फिर वो 3 अगले 3 को करेंगे, तो इस तरह से एक चेन बनते जाएगा। उसी प्रकार मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों कि ये जो अच्छाई की चेन एक तरीके से पढ़ाई का नॉलेज जो मेरे पास है, ठीक है, वो मैंने जो शुरू किए, तो ये आप लोग ही मुझे हेल्प कर सकते हो ये पूरे महाराष्ट्र तक रीच करवाने के लिए, ठीक है। एंड महाराष्ट्र क्यों, आउट ऑफ महाराष्ट्र भी आप रीच करवा सकते हो अगर आपके कोई कांटेक्ट में होंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई हर जगह सेम ही होती है ऑलमोस्ट, बस चैप्टर्स के नाम अलग होते हैं लेकिन जो चीज़ें हैं प्लस माइनस वो तो वही रहता है ना, डिवीजन वो तो वही रहता है, तो ये आप लोग के सपोर्ट के बिना ही वजह से ही पॉसिबल हो सकता है। तो प्लीज़ इसको देखिएगा, समझिएगा एंड उसको शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आखिरी लेक्चर की, हमारे लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर 17 सर्कल कॉर्ड एंड आर्क। तो आपको याद होगा दोस्तों, फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 17.1 जो था वो कंप्लीट किया था, तो आज हमारा आखिरी प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है 17.2, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा पॉइंट है वो मैं डिस्कस करा दूंगा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका ये पॉइंट के ऊपर ही बेस है। तो टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट आर्क, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आर्क हेडिंग डाल देता हूँ सबसे पहले, मैं इसको मैं समझाता हूँ सबसे पहले ये है क्या कॉन्ग्रुएंट आर्क की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ही चैप्टर है ऑब्वियसली आपको पता ही, तो सर्कल है उसका एक सेंटर पॉइंट होगा एंड ये सेंटर पॉइंट में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये मैं आपको पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। इस प्रकार कुछ पॉइंट्स है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, दैट इज दिस पॉइंट इज ए, दिस एक यहाँ पे पॉइंट एक्स है, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, चलो दिस पॉइंट इज सी पॉइंट, दिस पॉइंट इज डी पॉइंट एंड एक बीच में भी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है जिसका नाम है वाई एंड बीच वाले पॉइंट का नाम है ओ, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ये दिया है, स्टेटमेंट बोलता है कि इफ मेजरमेंट ऑफ द 2 आर्क, यानी कि अगर कोई भी 2 आर्क, ठीक है, 2 आर्क जो होंगे उसका मेजरमेंट अगर कंसिडर किया जाए, अगर वो 2 मेजरमेंट आर्क जो होंगे उसके सेम होंगे, ठीक है ना, मेजरमेंट मतलब एंगल, यानी कि समझ लो ये एक आर्क है AXB, ये एक आर्क है DYC, तो उसका अगर एंगल, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, इफ द मेजरमेंट ऑफ 2 आर्क यानी कि क्या हो गया उसका एंगल, तो अगर एंगल कोई भी 2 आर्क के सेम होते हैं तो समझ जाना कि वो दोनों आर्क आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां पे मैं बताता हूं, स्टेटमेंट तो आपने सुन लिया कि इफ द मेजरमेंट ऑफ 2 आर्क ऑफ द सर्कल आर सेम देन द 2 आर्क आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट, ये हो गया। अब यहां पर मैं एक चीज बताता हूं, लेट सपोज, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB, कौन सा एंगल AOB, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये पूरा एंगल दिख रहा है A से लेके O
बी, तो ये ए ओ बी का जो एंगल है समझ लो ये दोनों इक्वल है, कौन कौन से, एक मेजरमेंट ऑफ एंगल ये और एक मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ओ सी, यानी कि डी ओ सी ये जो एंगल है ये वाला। क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में, मतलब इसमें गिवन में, कि एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी दोनों सेम है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी की वजह से जो आर्क बन रहा है, ए ओ बी की वजह से कौन सा आर्क बन रहा है, ये ए ओ बी है, तो इसका आर्क कौन सा है, ये आर्क है ए एक्स बी, करेक्ट है ना, ये एंगल में कौन सा आर्क है, ये वाला आर्क है, तो यानी कि ए ओ बी का हम लोग लिखेंगे ए एक्स बी, इसका आर्क ये हो जाएगा आर्क ए एक्स बी, और इसके लिए आर्क कौन सा हो जाएगा डी ओ सी, जो एंगल है इसके लिए आर्क क्या है डी वाई सी, यानी कि आर्क डी वाई सी। तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन जो हमने पढ़ा कॉन्ग्रुएंट आर्क के लिए, कि जब भी कोई भी आर्क का दो एंगल अगर सेम रहते हैं तो वो दोनों आर्क भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब ये वाला सिंबल से आप दिखा सकते हैं कि द आर्क ए एक्स बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क डी वाई सी। क्लियर है, यही है पूरा फंडा, और इसी के बेस पे हमारा एक प्रैक्टिस सेट है, छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, सिर्फ दो क्वेश्चन है, वो दोनों के दोनों क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो बस आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो आखिरी है तो थोड़ा सा आखिरी तक सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा अगर पसंद आ रहा होगा तो। ठीक है, तो चलो इसको रफ कर लेते हैं, सीधा हेडिंग डाल देते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17.2। ठीक है, तो आखिरी बार आखिरी हेडिंग ऑफ प्रैक्टिस सेट जिसका नाम है 17.2। ठीक है, रेड मार्कर से हम लोग हेडिंग डालते हैं जैसा कि तो आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, आज मेरे लिए भी काफ़ी इमोशनल मोमेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारा आखिरी में इतना हमने मेहनत किया है, ठीक है ना, वो मेहनत मुझे ही पता है दोस्तों, मैंने कितना मेहनत किया है, लाइक पसीने टपकते रहते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, मत ये चीज़ बोलने की बात नहीं दोस्तों, आप लोग वो चीज़ समझते होंगे, ठीक है ना, कोई भी चीज़ को वैल्यू अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, ठीक है ना, कभी भी कोई भी इंसान अगर मेहनत करता है तो उसको वैल्यू दो दोस्तों। एंड मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो ये चीज़ सीख रहे हो ना वो आपके पास अगर आ रही है तो आप उसको और लोगों को बताइए, क्योंकि नॉलेज जितना आप बांटोगे उतना अच्छा होता है और उतना आपका नॉलेज बढ़ता है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक नॉलेज है, मैंने जो सिखाया ये आपने सीख लिया, लेकिन आप उसको वीडियो को देखने के बाद सिर्फ अपने में ही रह गए कि यार मेरे को आता है ना, बस हो गया और मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो आप सेल्फिश हो जाओगे। आपको सेल्फिश नहीं बनना है, आपको दुनिया के लिए कुछ करना है, करेक्ट है, आप ही एक इंसान कितने चेंजेस ला सकते हैं, तो सोचो अगर सब आप जैसा सोचोगे, हम जैसा सोचेंगे, तो कितनी अच्छी दुनिया बनेगी और कितना आगे जाएगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलो बाकी बात कभी और डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में, या फिर और भी जब मैं लेक्चर्स लेके आऊँगा। 8th स्टैंडर्ड का साइंस का तो चल ही रहा है, साइंस का भी जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें हम लोग कभी चर्चा करेंगे। तो चलो हेडिंग डालते हैं प्रैक्टिस सेट जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 17.2। ठीक है, आखिरी प्रैक्टिस सेट है ऑफ दिस चैप्टर, 17.2 हेडिंग डाल दिया। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मैं डाल देता हूं यहां पे हेडिंग, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है क्वेश्चन में, यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक डायग्राम है, वो डायग्राम भी मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। समझ लो एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, एक सर्कल है, एक सर्कल में एक इस तरह से डायामीटर एक यहाँ है, मतलब ये स्ट्रेट है, हाँ ठीक है, मेरा थोड़ा टेढ़ा बन जाता है क्योंकि मैं हाथ से बनाता हूँ, ये स्ट्रेट है और यहाँ से भी एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल है, और ये उसका क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा, करेक्ट है, दिख रहा है आपको, स्ट्रेट दिख रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसका नाम दिया हुआ है, दैट इज़ पी क्यू एंड आर एंड एस, और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसका नाम रखा है सी, और ये एंगल तो आपको पता ही होगा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है उन्होंने कि एक डायग्राम है जिसमें पी क्यू जो है, यानी कि ये जो डायमीटर पी क्यू है ये आर एस डायमीटर से क्या है, परपेंडिकुलर है, जैसा कि आपको दिख रहा है। हमें पूछा है कि स्ट्रेट वाई पी एस एंड एस क्यू आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि जो पी एस होगा, ये जो आर्क दिख रहा है पी से लेके एस, ये जो आर्क है पी एस, ये इतना आर्क, और एस क्यू यानी कि ये इतना आर्क, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट क्यू है, ये आपको रीजन बताना है, और बाकी के जो आर्क है वो भी क्यू कॉन्ग्रेंट है, वो आपको बताना है, बहुत सिंपल है, आप बता सकते हो। कैसे बताओगे यहाँ पे, सबसे पहली बात आपको एक चीज पता है कि जो डायामीटर है आपका, कौन सा डायमीटर, एक डायमीटर है आपका जिसका नाम है डायमीटर पी क्यू, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, डायमीटर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर एस, पी क्यू जो है वो आर एस है, ये पी क्यू ये आर एस से क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड जब भी कुछ ऐसा होता है तो आप एक चीज क्या बोल सकते हो कि जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये चारों के चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, करेक्ट है ना, क्योंकि जब ये दोनों आपस में डायमीटर जो है ये परपेंडिकुलर होंगे तो जो मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होगा मेरा, कौन सा एंगल जिसका नाम है पी सी एस, सबसे पहले यहाँ पे मैं जो भी आपको देना चाहते हैं वो दे सकते हो, तो एंगल पी सी एस हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट इक्वल होगा किससे, इक्वल होगा यहाँ पे एस सी क्यू से, ठीक है ना, एंगल एस सी क्यू, इसका नाम दे सकते हो आप जो भी आपको देना चाहते हो, ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एस सी क्यू, ठीक है, विल बी इक्वल टू, ये इससे इक्वल, ये वाला इससे इक्वल, ये वाला इससे इक्वल, यानी कि चारों के चारों इक्वल होंगे, करेक्ट है। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल पी सी एस इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एस सी क्यू, एंड वो भी इक्वल हो जाएगा किससे, क्यू सी आर से, वो भी इक्वल हो जाएगा आर सी
पी से, ये चारों के चारों इक्वल हो जाएंगे और वो भी इक्वल होकर कितना हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे, करेक्ट है, क्योंकि चारों का मेजरमेंट कितना है 90 डिग्री है। तो यानी कि इन शॉर्ट हमने क्या बोला कि ये चारों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना, क्योंकि सर्कल में चार एंगल है तो चारों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, करेक्ट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, यहां पे अगर ध्यान से देखने वाली बात यह है, हम लोग को पूछा क्या था क्वेश्चन में, ये पूछा है कि जो मेरा आर्क पीएस है और ये जो एसक्यू है ये कॉन्ग्रुएंट है वो बताओ एंड क्यों कॉन्ग्रुएंट है। तो आप अगर देखोगे ध्यान से, ये जो पीसीएस एंगल है यानी कि ये वाला जो एंगल है पीसीएस, इसका आर्क कौन सा है पीएस, यानी कि इसके जगह पर मैं आर्क लिख सकता हूं आर्क पीएस, ठीक है, ये वाले एंगल के जगह पे, ये वाला एंगल किधर है, ये वाला, तो एंगल की वजह से जो आर्क बन रहा है इसका नाम क्या है एसक्यू, यानी कि एंगल जो आर्क पीएस है वो आर्क किससे एसक्यू से क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री है ना, वैसे तो चारों का ही है लेकिन ये दोनों का भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, जो कि हमें बताना था कि ये हम लोग बोल सकते हैं कि आर्क जो पीएस है वो कॉन्ग्रुएंट है आर्क एसक्यू से, क्योंकि हमें जब पता है कि जब एंगल सेम होते हैं तो आर्क भी सेम ही होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंट आर्क का जो थियरी बताया था ना इसके पहले, तो सेम इसके हिसाब से पता चल गया, ठीक है। एंड बाकी के एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, बाकी के एंगल भी सेम है तो बाकी के आर्क जो होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि अब कौन सा आर्क बच गया, ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे पीएस से, वैसे ही मेरा जो आर्क है ये वाला क्यूसीआर, क्यूसीआर का जो एंगल है इसका आर्क क्या है क्यूआर, यानी कि जो मेरा आर्क होगा क्यूआर वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आर्क पीएस से, करेक्ट है, ये एक हो गया। एंड एक और जो आर्क बचा हुआ है जिसका नाम क्या है आरपी, ये दिख रहा है आरपी, ये वाला एंगल, ठीक है ना, आरसीपी का जो आर्क हो जाएगा उसका आर्क क्या हो जाएगा आरपी, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे आर्क पीएस से, यानी कि जितने भी आर्क है ये भी क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है पीएस से। तो ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये दोनों जो है पीएस और पीक्यू तो है ही कॉन्ग्रुएंट, पीएस और एसक्यू तो है ही कॉन्ग्रुएंट, लेकिन बाकी के जो आर्क बचे हैं ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और यही तब आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत सिंपल था, इसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन के चांसेस में तो बोलूंगा कम होंगे एग्जाम में पूछने की, लेकिन ये समझने वाली बात है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, वो थोड़ा सा चांसेस है पूछ ले, लेकिन ऐसे टाइप के एग्जाम्पल अगर पूछेगा, सोचो अगर बाई चांस अगर पूछ लिया तो कितना सिंपल है इसको स्कोर करना, कुछ था ही नहीं इसमें, बस आपको एंगल इक्वल टू करके दिखाना है और सबका आर्क जो है इक्वल करके दिखाना है, क्योंकि आपको फंडा तो पता ही है कि जब एंगल इक्वल है तो आर्क ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला क्वेश्चन का आंसर जो है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही स्वीट एग्जांपल था। चलते हैं एग्जांपल नंबर टू की तरफ, जो कि अगेन ऐसे ही टाइप का एग्जांपल है। तो फटाफट से मैं क्या करता हूं, इसको सबसे पहले मैं रफ करता हूं, ठीक है, तो ध्यान से देखना दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ही आपको समझेगा, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें हमने आज तक आपको पढ़ाई है दोस्तों, ठीक है ना, आज आखिरी लेक्चर है तो इसके लिए मैं कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर जो भी चीज हमने पढ़ाई है आप लोग को, बहुत सारी चीजें हमने आपको दी है एंड जितने भी चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट वगैरह कराए हैं, ठीक है, तो उम्मीद मैं ये करता हूं दोस्तों कि आप लोग को हर एक चीज 100% तरीके से समझा, क्योंकि जो एफर्ट्स हमने लगाए हैं अपनी तरफ से, जो भी चीज हमसे हो सके हमने किया है, ठीक है। तो प्लीज वो चीज ध्यान में रखिएगा और वो चीज के लिए हमें सपोर्ट ऐसे ही करते रहना, क्योंकि आगे लेक्चर्स खत्म होंगे लेकिन और भी ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी तो सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ना, तो कोई चिंता नहीं करना, मैं हूं आप, मैं कहीं नहीं जाने वाला दोस्तों, मैं हूं आपके लिए, ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे और भी अलग अलग तरीके से, जैसा मैंने प्रॉमिस किया है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर टू में भी एक डायग्राम है, सबसे पहले वो डायग्राम को मैं ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स सपोज दिस इज द डायग्राम, ठीक है, ये एक डायग्राम है और इसमें यहाँ पे क्लियर कट एक सर्कल सेंटर पॉइंट है और यहाँ से एक डायमीटर है, ठीक है, पहले उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज द डायमीटर विच इज गिवन हियर, ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट वन पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट, ठीक है, ये एक ऐसा है और उसके बाद ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ओके, ये वाला एक हो गया एंड दूसरा सेम इसी प्रकार से एक इधर है, ठीक है, ये वाला एंड दूसरा जो चीज़ जो दिया हुआ है, ठीक है, वो भी लगभग इस प्रकार है, ठीक है, इस तरह से, और ये दोनों भी आपस में जॉइंट है, ठीक है, ये वाला एक हो गया एंड उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ जो है वो 100 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम मेरा 100% सेम नहीं होगा क्योंकि मैं हाथ से बनाता हूँ दोस्तों, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, यू कैन रेफर योर बुक, ठीक है, आपको परफेक्ट डायग्राम मिल जाएगा, लेकिन आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको समझने से मतलब है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस एंगल इज 35 डिग्री, दिस एंगल इज 35 डिग्री, ठीक है, और नाम क्या दिया, नाम इंपॉर्टेंट है, और ये बीच वाला जो पॉइंट है ना, ये बीच वाले का नाम समझ लेना ओ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है तो ओ समझ लेना उसको, ठीक है, और बाकी के जो है वो आप लिख सकते हो, दिस इज एम, दिस इज डी, दिस इज सी एन, ठीक है, एंड दिस इज बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, तो ये ए बी सी डी ए हो गया और ये एम एन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि आपको ये डायग्राम दिया हुआ है और बहुत सारे मेजरमेंट्स दिए हैं, इसमें MN जो है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा होगा MN, ये आपका एक डायमीटर है वो देके रखा है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पहला मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB और COD, तो AOB आपको निकाल के दिखाना है और दूसरा एंगल COD आपको निकाल के दिखाना है। दूसरा चीज आपको पूछा है यहां पे, जो आर्क AB है ना,
ये जो आर्क है आपका जिसका नाम है आर्क ए बी, वो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है किससे, आर्क सी डी से, आर्क सी डी से कॉन्ग्रुएंट दिखाना, ये भी आप दिखाओगे। और तीसरा चीज, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है कि जो कॉर्ड होगा ए बी नाम का और जो कॉर्ड सी डी नाम का जो है उसको आपस में प्रूफ करके दिखाना है। तो ये दोनों तीनों चीज आपको पूछा गया है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कॉर्ड ए बी कौन सा है, ये वाला कॉर्ड सी डी। अब इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा एग्जांपल है, काफी टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए, तो ध्यान से देखना। तीन तीन चीज पूछा हुआ है इसमें, एक दो तीन, तीन तीन चीज पूछा है, तो ध्यान से देखना तभी आपको ये चीज समझाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज हमें पता है दोस्तों, ध्यान से देखना, हो सकता है ये हमें बोर्ड को वापस से रफ भी करना पड़े क्योंकि बोर्ड का स्पेस खत्म हो जाएगा और आपका एग्जाम्पल खत्म नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है। तो ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज हमें पता है कि जो मेरा एम एन है वो क्या है, एक डायामीटर है। एम एन जो है वो मेरा एक डायामीटर है, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, एम एन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो हम लोग एक चीज क्या बोल सकते हैं कि ये जो M और ये O पॉइंट है ना, ये तो मैंने आपको बताया था कि बीच वाला पॉइंट O पॉइंट है, तो ये M O और ये जो M दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होता है तो आपको याद होगा कि एंगल्स जो होते हैं ना वो लीनियर पेयर बनते हैं। कैसे लीनियर पेयर बनेंगे, अगर मैं बात करूं यहां पर कि जो मेरा एंगल होगा कौन सा, दैट इज A, ये O और ये M दिख रहा है, ए ओ एम, ये जो एंगल होगा इसको मैं लिखता हूं अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन, यानी कि ये वाला एंगल, और दूसरा जो एंगल होगा जिसका नाम होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन, ठीक है ना, ये ए ओ ए ओ एम है ये, ठीक है ना, ए ओ एम कौन सा एंगल, ये ऊपर वाला दिख रहा है, ये ए ये ओ ये एम ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, और दूसरा मैं ले रहा हूँ ए ओ और एन, यानी कि ये पूरा एंगल। तो ये दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा, एंगल ए ओ एम और ए ओ एन को, ये दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आएगा। क्यों 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये है लीनियर पेयर में। आपको याद होगा दोस्तों ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बहुत पहले, लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है ना, ये सब स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हुए हैं ना, लीनियर पेयर वगैरह। लीनियर पेयर क्या होता है कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन दिखता है तो ये पूरा एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि ये एंगल और ये बचा हुआ एंगल जो भी है वो दोनों मिला के 180 हो जाएंगे। लेकिन आप देखोगे तो ये ए ओ एम तो है पूरा, हमारे पास पूरा एंगल ए ओ एम है, तो उसको तो मैं सेम ही लिखूंगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एम को मैंने पूरा सेम ही लिखा, ठीक है। लेकिन ये जो ए ओ एन है ना, इसमें दो दो एंगल है, एक तो ये भी एंगल है और एक ये भी एंगल है, यानी कि ये ए ओ ये बी हो गया, यानी कि ये ए ओ एन के जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है ना, ये ए ओ बी वाला, और दूसरा बी ओ एन लिख सकता हूँ प्लस एंगल बी ओ एन। समझ में आ रहा है दोस्तों मैंने क्या लिखा, यानी कि ये जो पूरा बड़ा एंगल जो था ना ए ओ एन, ये पूरा एंगल में दो दो एंगल है ना, एक ये वाला भी है एक ये वाला भी है, तो ये वाले का नाम है ए ओ बी और ये वाले का नाम है बी ओ एन, यानी कि इसके जगह पे हमने दो दो लिख लिया और ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 180 डिग्री, इज इक्वल टू क्या है ये 180 डिग्री है। समझ में आ रहा है, अब मैं एक चीज लिख सकता हूँ ए ओ एम का, मुझे वैल्यू पता है जो कि दिया है 100, यानी कि ए ओ एम के जगह पे मैंने लिखा 100, इसके जगह पे 100 लिखा प्लस ये ए ओ बी, तो ये ए ओ बी दिख रहा है, इसमें कुछ लिखा है क्या, कोई भी एंगल दिया है क्या, नहीं दिया, यानी कि ये ए ओ बी वैसे का वैसे ही रहेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन ये जो बी ओ एन दिख रहा है, ये बी ओ एन ये लिखा हुआ है यहाँ पे 35, यानी कि इसका वैल्यू हमें पता है 35 डिग्री, ठीक है, और इज इक्वल टू 180 हो जाएगा प्लस करके, ठीक है। तो अब क्या बचा है यहाँ पे, ए ओ बी बचा है, तो यानी कि ये वैल्यू जो है हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं 100 प्लस 35 135 और वो उधर जाएगा तो 180 से माइनस हो जाएगा, यानी कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होगा मेरा ए ओ बी, ये हमें मिल जाएगा 180 माइनस 135, जो कि आपको मिलेगा एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि एक एंगल हमने निकाल लिया जो हमें पूछा था क्या कि ए ओ बी निकाल के दिखाओ, तो ए ओ बी हमने निकाल लिया, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज 45 डिग्री। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही स्वीट एग्जाम्पल है ये ए ओ बी का। ओके, अब ये पहला चीज हुआ, लेकिन सेम वैसे ही आप सीओडी निकालोगे, दिख रहा है, ये सीओडी भी निकालना है, तो सीओडी किस तरफ है, आप देखो दिस इज सी एंड दिस इज ओ डी, यानी कि ये एंगल आपको निकालना है ना, पहले आपने ये निकाला अब ये निकालना है, तो सेम जैसा आपने इस तरफ में किया ना वैसा ही उस तरफ में कर सकते हो। कैसे करोगे, सेम वही चीज करना है, सेम टू सेम। पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अभी थोड़ा दो सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा अभी, वापस से इसको मैं मिटाना चाहूंगा, क्योंकि डायग्राम को मिटा नहीं सकता मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि डायग्राम को देख के तो हम सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल मैं ये चीज़ क्या कर रहा हूँ, मिटाने वाला हूँ। तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो अपने बुक में, नोटबुक अगर आपने बनाया हुआ है तो आप लिख सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले बाद में लिख लेना, ठीक है, चलो। ओके, क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको आपने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर जो भी ले लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा आपने। अब मैं इतने पार्ट को मैं रफ करने जा रहा हूँ वापस से, ठीक है, इतना पार्ट मैंने रफ किया, ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। ओके, अब ये चीज़ रफ हो गया, हमने क्या निकाल लिया, ए ओ बी निकाल लिया, अब हमने ए ओ बी निकाल लिया, अब दूसरी बार ये सी ओ डी, तो सी ओ डी कैसे निकालना है, अगेन एम एन डायमीटर है, तो जैसे हमने इस तरफ किया था कि ए ओ एम प्लस ए ओ एन किया था, वैसे इस तरफ भी कर सकते हैं क्या, ये डी ये ओ और एम, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ओ एम को अगर मैं डी ओ एन से प्लस करूँ, ठीक है,
तो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ओ एन से प्लस करूं तो ये दोनों को प्लस करके फिर से 180 डिग्री आएगा, क्योंकि क्या है, ये भी है लीनियर पेयर में। जब इस तरफ लीनियर पेयर हो सकता है तो उस तरफ भी लीनियर पेयर हो सकता है ना, तो लीनियर पेयर है क्योंकि वो तो क्या है, डायमीटर है। अब मैं सेम वही चीज करने वाला हूं कि ये डी ओ एम तो वैसी का वैसी हमें दिया हुआ है 100 डिग्री, तो वो 100 डिग्री बाद में लिखेंगे, लेकिन ये जो डी ओ एम है उसको मैं वैसी का वैसे ही रखता हूं, एंगल डी ओ एम, ठीक है। प्लस ये जो डी ओ एन है, ये डी, ये ओ एन, इसमें दो एंगल है, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, इसका नाम क्या है, डी ओ सी। तो मैं इसको एक ही चीज को दो बार में लिख सकता हूं। देखो, मेजर ऑफ डी ओ एन को मैं कैसे लिख सकता हूं, डी ओ सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ओ सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है, सी ओ एन, यानी कि सी ओ एन, और ये दोनों प्लस करके अब आ रहे हैं 180 डिग्री, करेक्ट है। अब सेम मैं क्या करूंगा, जो वैल्यूज दिया है वो डाल दो, इसका डिग्री कितना है 100 है, डाल दिया। प्लस ये डी ओ सी जो है बीच वाला, ये नहीं पता है तो मैं उसको वैसी का वैसी रखूंगा, डी ओ सी को वैसी का वैसी रखूंगा, और तीसरा जो है वो मुझे पता है 35 डिग्री है तो वो डाल दिया 35 डिग्री यहां पे, एंड अब मैं प्लस करके करूंगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, सेम ये 100 प्लस 35 इज 135, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और ये डी ओ सी का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल मेरा है डी ओ सी। अब ये डी ओ सी जो है ना उसको मैं सी ओ डी भी लिख सकता हूं क्या, ये देखो, ये डी ओ सी को मैं सी ओ डी लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि हमें सी ओ डी चाहिए ना, तो एक ही बात है, चाहे वो डी ओ सी हो चाहे वो सी ओ डी हो, मैं इसको उल्टा कर देता हूं खाली, बस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये एंगल, ये सी ओ डी, डी ओ सी को मैंने सी ओ डी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो 100 प्लस 35 इज 135, तो ये 180 से माइनस हो जाएगा 135, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ओ डी विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपने आंसर निकाल लिया, कितना सिंपल है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, और एक चीज, एग्जांपल समझ में आएगा, लेकिन रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमारा पहला हुआ है, तो आप देखो कितना बड़ा एग्जांपल है ये, समझ में आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना, इसीलिए बोलता हूँ ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, 4 से 5 मार्क्स का अगर पूछेगा तो आपको यहाँ पे बहुत इजीली मार्क्स मिल जाएगा। तो आपने ये पहला चीज निकाल लिया, एओबी निकाल लिया और सीओडी निकाल लिया, दोनों का ही 45 डिग्री आया, ठीक है। अब दूसरी की बारी, अब दूसरा क्या बोला है यहाँ पे, दूसरा चीज यहाँ पे बोला है कि मुझे आर्क एबी और आर्क सीडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, वो प्रूफ करके दिखाओ, शो करके दिखाओ, तो शो दैट करना है। तो एबी की तरह सबसे पहले ये देखो, ये आर्क एबी है, ये वाला आर्क जो है एबी है, ये वाला आर्क जो है सीडी है, समझ में आ रहा है, ये आर्क सीडी, ये एबी, अब ये दोनों को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो मैं क्या करूं ऐसा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो मेजरमेंट ऑफ आर्क जो AB है, ये मेजरमेंट ऑफ आर्क जो AB है, इसका जो एंगल है, कौन सा एंगल है, AOB, ये जो एंगल दिख रहा है, ये जो आर्क है, ये आर्क का एंगल क्या है, ये वाला जिसका नाम है AOB, यानी कि जो मेरा आर्क AB रहेगा, ये जो मेरा आर्क AB रहेगा वो इक्वल रहेगा मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB के, समझ में आ रहा है, ये मेरा आर्क ए बी का एंगल जो है वो दोनों इक्वल रहता है ना, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट आर्क का जो फंडा है, जो थियोरी है, उसके हिसाब से पता है ना कि जो एंगल के सामने जो आर्क होता है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये जो आर्क है इसका जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जो कि जिसका वैल्यू हमें पता है 45 डिग्री निकाला ना हमने, इस चीज का AOB का वैल्यू निकाला है ना इसके पहले, जैसे COD निकाला, ये 45 है, वैसे ये भी 45 निकाला हुआ है ना इसके पहले, तो हमें पता है कि वो 45 है। और दूसरा चीज, CD वाला आर्क जो है, ये वाला C से लेके D तक का जो आर्क है, उसका भी जो एंगल है, इसका नाम क्या है, COD, यानी कि जो आर्क मेरा दूसरा वाला है जिसका नाम है CD, उसका भी जो एंगल है उसका नाम क्या है, COD नाम है, और जिसका भी वैल्यू हमने निकाला हुआ है 45 डिग्री है। तो आपने देखा कि ये दोनों के दोनों का 45 डिग्री है, तो अगर दोनों का एंगल 45 डिग्री है और दोनों का एंगल सेम है, तो ये दोनों आर्क भी सेम हो जाएंगे, कि इन शॉर्ट जो आर्क ए बी होगा और आर्क सी डी हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और यही तो मैं प्रूफ करना था। देयरफॉर आर्क आपका जो ए बी था वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, आर्क सी डी से, और यही हमें बताना था दोस्तों सेकंड वाले में कि आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। तो ये वाला भी हमने सॉल्व कर लिया, कितना सिंपल है देखो, सॉल्व कर लिया, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा चीज बताना है कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी का, लेकिन उसके पहले आपको मैं 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, फटाफट से। ओके, तो फटाफट से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो अभी मैं ये वाले पार्ट को रफ कर लेता हूं, सिर्फ इतना रफ कर रहा हूं क्योंकि हमें तीसरा एग्जांपल, इसके अंदर जो तीसरा चीज पूछा हुआ है वो आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो थर्ड चीज यहां पे क्या पूछा है, थर्ड चीज पूछा है कि कॉर्ड ए बी कॉर्ड सी डी को यहां पे कॉन्ग्रुएंट है ऐसा बताओ। तो हमने लास्ट टू लास्ट देखा दोस्तों, लास्ट टू लास्ट क्या देखा इसके पहले, कि मेरा आर्क जो ए बी है वो आर्क सी डी से क्या आया, कॉन्ग्रुएंट आया, आर्क ए बी जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट आया किससे, आर्क सी डी से। तो जब भी ऐसा होता है, तो आर्क जब भी कॉन्ग्रुएंट होता है किसी भी चीज़ से, या फिर आर्क जब भी होता है और उसके साथ ही में कॉर्ड बना होता है, तो वो दोनों का वैल्यू सेम होता है, यानी कि जो आर्क ए बी हो जाएगा उसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कॉर्ड ए बी, और ये जो आर्क सी डी है उसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कॉर्ड सी डी, यानी कि आर्क और जो कॉर्ड होता है वो दोनों सेम ही होते हैं। तो इन शॉर्ट मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, मेरा कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी,
क्लियर है, और यही तो हमें बताना था थर्ड एग्जांपल में भी, तो ये भी हमने बता दिया। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इफेक्टिव है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 17.2, ये होता है समाप्त दोस्तों। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 17 सर्कल कॉर्ड एंड आर्क, ये भी होता है समाप्त। एंड इसी के साथ दोस्तों आपका जो 8 स्टैंडर्ड का पूरा मैथ्स का जो सिलेबस है वो भी होता है समाप्त। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग विथ अस, आपने इतना अच्छा प्यार दिया हमें, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, और आपकी सपोर्ट के कारण हमें इतना मेहनत करने का जोश आया, इतना मेहनत किया हमने। जैसे आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा बीच में, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली लेकिन नहीं छोड़ के कहीं और नहीं जाऊंगा, डोंट वरी, अभी भी हूँ, आज भी हूँ, कल भी था और आगे भी ऐसे ही आपके लिए रहूँगा, और भी बहुत सारे कंटेंट्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको ये चैनल पर और भी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेगी, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे और किसी चीज़ की बात हो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और आने वाले दिनों में जैसा मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि आपको कुछ करियर गाइडेंस का तो मिल ही रहा होगा दूसरे चैनल के ऊपर, लेकिन इसमें आपको कुछ ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, डिविजन्स के, सिंप्लीफाई करने के, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ रिविजन्स के, कुछ इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन पेपर हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी। ठीक है, तो आप बस बने रहिए। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आज का ये लेक्चर वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर करो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना, शेयर करो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।